पाठ दस मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को संकलित किया गया है, जिससे आप परीक्षा में उन्नत अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ विशेष से संकलित है? रामायण, ख महाभारत, ग पुराण, घ रामचरितमानस। उत्तर है रामायण। प्रश्न दो, आदि काव्य रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास, ख आदि कवि वाल्मीकि, ग तुलसीदास, घ महर्षि कौंडिन्य। उत्तर ख आदि कवि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड के किस सर्ग से लिया गया है? बालकांड, सुंदरकांड सर्ग एक से, अयोध्या कांड 95 सर्ग से, अयोध्या कांड 5 सर्ग से। सही उत्तर है अयोध्या कांड 95 सर्ग से। प्रश्न चार, वनवास काल में श्री राम ने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किसको संबोधित किया है? लक्ष्मण को, वन पुरुष को, स्वयं को, सीता को। सही उत्तर है घ सीता को। प्रश्न पाँच, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम किस छंद में किया है? अनुष्टुप छंद, ग श्रगधरा, ग आर्या छंद, घ उपजाति। सही उत्तर है अनुष्टुप छंद। प्रश्न छ, कालिदास महाकवि कालिदास की रचना कौन है? क मृच्छकटिकम, ख उरुभृंगम, ग रघुवंशम, घ रामायणम। सही उत्तर है कालिदास की रचना है रघुवंशम। राम ने कहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है? क हरिद्वार, ख कर्णपुर, ग पाटलिपुत्र, घ चित्रकूट। सही उत्तर है घ। मंदाकिनी नदी कस पर्वतस्य निकटे प्रवहती? क रामगिरी, ख चित्रकूट, ग विंध्याचल, घ हिमालय। सही उत्तर है ख चित्रकूट। मंदाकिनी कस नलिनी इव सर्वतः राजते? क राजराजस्य, ख मुने, ग कुबेरस्य, घ भगीरथस्य। सही उत्तर है क। प्रश्न दस, मंदाकिनी नदी के अवगाहनते? जना, साधका, बाला, ऋषिया। सही उत्तर है घ। प्रश्न ग्यारह, मुनियः कब कम उपतिष्ठन्ते? इंद्रम, ख आदित्यम, ग कुबेरम, घ महादेवम। सही उत्तर है ख आदित्यम। प्रश्न बारह, नृत्यति इव कः प्रतिभाति? क नदी, ख आकाशः, ग मयूरः, घ पर्वतः। उत्तर है घ। प्रश्न तेरह, साम्प्रतम कह पितानि जलानि कलुषितानि? क मृगयूथानि, ख मयूरयूथानि, ग गजयूथानि, घ पक्षीयूथानि। उत्तर है क। प्रश्न चौदह, मंदाकिनी वर्णनम पाठे ऊर्ध्व वाहवाह के सन्ति? क पुरुषा, ख वनवासिनः, ग महिला, घ मुनिया। उत्तर है घ मुनिया। राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? क सीता, ख सिलनी, ग नदी, घ सूर्पनखा। उत्तर है क सीता। हंस सार सेविता विचित्र पुलिना चका? सरयू,
ख मंदाकिनी, ग यमुना, घ बागमती। उत्तर है ख मंदाकिनी। श्री रामा मंदाकिन्यां पोपलूयमानान कान दर्शयति। लता संचया, धूल संचयान, ग प्रेम संचयान, घ पुष्प संचयान। उत्तर है घ पुष्प संचयान। सिद्ध जना किरणान मंदाकिनीं काम पश्यति। सीता ख भैरवी, ग सिद्धा, घ महिला। सही उत्तर है क सीता। प्रश्न 19। शुभाम गिरह के निष्कुजंती। क द्विजा चक्रवाका च, सुरा असुरा च, ग सुनका गाव च, घ मयूरा कपोता च। उत्तर है क द्विजा चक्रवाका च। प्रश्न 20। सीता रामचंद्रस्य का अस्ति कौन थी। क पुत्री, ख प्रिया, ग भगिनी, घ माता। सही उत्तर है प्रिया। साथी लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में अत्यंत उपयोगी हैं देख लें। प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम नामक पाठ का परिचय दें। उत्तर मंदाकिनी वर्णनम नामक पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित है। इसमें चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक नदी का वर्णन है। इस पाठ में श्री राम अपनी पत्नी सीता से मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। प्रश्न नंबर 2। चित्रकूट की मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें। उत्तर है वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं तब वहां मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक शोभा के कारण चित्त का हरण कर रही है। यह नदी पुष्पों से सज्जित और हंसों से सेवित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। साथ ही पक्षियों के कलरव से यह नदी सुंदरता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर रही है। आप बिहार बोर्ड के संस्कृत हिंदी के बुक और ग्रामर के सभी मटेरियल्स को एक जगह एक साथ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।